अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, शाविडी ब्लॉग में एक बार फिर वेलकम। और इंशाल्लाह ताला सबसे पहले आप सबको रमज़ान की मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आप सबके रमज़ान मुबारक अच्छे गुजर रहे होंगे, और इसमें जितना हो सकता है आप कुरान पढ़ें, लोगों को माफ़ करें, और जितना हो सकता है अल्लाह पाक का जिक्र करें और अच्छे काम करें, कोशिश करें कि दूसरों के लिए अच्छा करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है एक बजट लैपटॉप। ये बहुत ही ज़्यादा बजट लैपटॉप है, और जिस हिसाब से बात हो रही है लैपटॉप की और बजट के हिसाब से, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लाजम कम ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, इस कंपनी का नाम है जेड। ये एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि मैंने UAE से परचेज़ किया था, लेकिन जो मैं आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। इंटेल इनसाइड सेलेरॉन है, ग्रिप्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, और जिसे बोलते हैं कि इसकी जिसे बोलते हैं जो बॉडी है, लग तो एलुमिनियम रही है लेकिन ये प्लास्टिक है। और इसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको आपको मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ ये किस तरह का दिखता है। ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है इसका। इसका न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है वो अलग से दिया हुआ है, और कीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, टाइपिंग करने में काफ़ी स्मूथ है, अच्छा रहता है, एक्सपीरियंस अच्छा है। माउस पैड इसका जो है काफ़ी बड़ा दे दिया गया है। क्लिकी बटन हैं इसके साथ, और जो इसकी जो LED है, LED स्क्रीन आप ये कह सकते हैं जो इसकी है, ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 15.5 इंच का इसका जो है LED स्क्रीन है, और फुल HD ये सपोर्ट करता है। गेमिंग के अगर हिसाब से आप जाएंगे तो इसमें गेम्स, नॉर्मल गेम्स आप चला सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी गेम्स नहीं चला सकते। इसके अंदर 500 GB का हार्ड ड्राइव है, प्लस इसके अंदर 6 GB रैम है, जो कि मैं बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव चीज़ थी जो ये ख़रीदने के लिए। मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हो सके या आप दिखा सकूँ, या आप देख सकते हैं इंटेल HD ग्राफिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, HDMI वाईफाई ब्लूटूथ है, और इसके अंदर 15.6 का LED मौजूद है, Z Air Plus के नाम से है। रैम इसकी जो है वो है 6 GB रैम है DDR4, और इसका जो आपको मैंने पहले दिखा दिया था कि जो सेलेरॉन इंटेल इनसाइड सेलेरॉन प्रोसेसर है, स्पीड अच्छी है, मल्टीमीडिया के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है, यूट्यूब के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए जाएंगे तो मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए बिल्कुल रफ़ है। ये वीडियोस के हिसाब से अगर आप इसमें कुछ अपलोडिंग वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ लोड कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आपको मैं इसका चार्जर भी दिखा दूँगा। तो पहले जो है मैं इसके आपको इसकी बात कर दूँ। अब जो बात इसकी मैं करने जा रहा हूँ वो है इसके प्राइस की। अगर UAE प्राइस में पूछें तो ये 700 दिरहम का, ठीक है मुझे पता है, लेकिन 700 दिरहम भी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर पाकिस्तान में आप लेते हैं तो आपको आराम से 23,000 या 24,000 रुपीज़ का मिल जाता है। उस हिसाब से ये लैपटॉप अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल न्यू ब्रांड मिलता है, डब्बा पैक मिलता है, अनबॉक्स पैक पीस होता है एकदम। इसमें इसे बोलते हैं कि आपको कोई भी ये टेंशन नहीं होगी कि यार ये यूज़ हुआ है, इसमें ये मसला हो सकता है, ये मसला हो सकता है। तकरीबन इसमें सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट और नई लगाई गई हैं। अब मैं आपको इसका चार्जर दिखा देता हूँ और फिर मैं आगे आपको डिटेल देता हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये इसका चार्जर मिलता है इसके साथ पे। ई लाइफ का इस पर लोगो लगा हुआ है, AC एडाप्टर है, एडाप्टर इसका जिसे बोलते हैं 12 वॉट 2.0A का है। अच्छा, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। पिन में आपको इसका दिखा देता हूँ। पिन इसका बहुत अजीब सा नॉर्मल है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स का होता है, ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स का, लेकिन ये चार्जिंग इसकी अच्छी है।
बैटरी, अगर आप बैटरी बैकअप के हिसाब से अगर इसके इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो आप समझ सकते हैं तकरीबन 1 आवर 20 मिनट्स करिए कुछ इस तरह से। चार्जिंग टाइम इसका थोड़ा है ज़्यादा, ये 3 आवर 3.5 घंटे तक ही आप ये समझ लें ये चार्ज इसको पूरा कर देता है। बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा है। और चलें अब मैं आपको उसको ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने ऑन पे क्लिक कर दिया है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ये इसका लोगो है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर जाके। और अभी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लेता थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी ये स्टार्ट हुआ है। नॉर्मल पीसी से बस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इतना नहीं कि रैम की वजह से इसकी स्पीड अच्छी रह जाती है। प्रोसेसर इसका काफ़ी स्लो है। ये आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि इसकी जो रैम है ये आप चेक कर सकते हैं, वो 6GB रैम है, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाकी जो है इसका जो भी सिस्टम है, नाम वगैरह इसमें लिखा हुआ है, ZR प्लस लिखा हुआ है, विंडोज़ 10 है, लाइफ वालों का लोगो है और ये है। तो आज का रिव्यू यही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।